तो भाई फॉरेज चेंज यार, हमने ना थोड़ा सा आज रूट चेंज करने की सोची, और जो बहुत चेंज मांग रहे थे ना, इसलिए चेंज कर दो कुछ। तो भाई लॉन्ग अवेटेड यार, हमारा भी 2.5 साल में हम भी नहीं आए थे जैसे पहले ही बताया। तो ये वाला है यार आस्थापत, कोई इसको मरीन ड्राइव बोलता है, कोई कुछ और भी बोलता है, पर ये है एक्चुअली के अंदर ये है आस्थापत त्रिवेणी घाट से। हम घाट से आपको राइट साइड में, अगर आप आओगे तो राइट साइड में ट्रैक, लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में त्रिवेणी घाट आएंगे, एंटर करेंगे उसके ऐसे करके ऐसे जाएंगे। ये ना ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसको इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाके बोल ले, आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर ये भावना में बह जाती है, मुँह है ना उस साइड करके करती है इसको। ये साफ पता है कि माइक सिर्फ इस साइड में है, पर ये वहाँ जाके आवाज़ इतनी तेज है कि उनके दिलों तक पहुँच जाएगी, समझ गए। तो भाई ये आस्था पता नहीं, जैसे हमारी जो सोसाइटी है ये मतलब राम झूला से ही शुरू हो जाता है यार, वहाँ से ना पूरा लंबा है। तो आज हमने सोचा कि यार चलो त्रिवेणी घाट की साइड से चल के आपको कुछ दर्शन करा देते हैं, और हमारी वॉक भी हो जाएगी और गुड मॉर्निंग भी हो जाएगी, मॉर्निंग भी जाएगी। तो भाई गुड मॉर्निंग यहीं कर लेते हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। मॉर्निंग वॉक कर लिया करो यार, ये आनंद है ना, ये बाद में नहीं मिलता। ये गंगा जी जो किनारे जो बह रही है ना, बिल्कुल जो फोग है चारों तरफ, इसमें धुंध आई हुई है, इसका मजा ही अलग है। ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्लो में है इस टाइम तो उनकी आवाज बहुत तेज आ रही है। तो भाई श्रीमती जी कह रही है चलो मैं गिन के ही देख लेती हूँ 72 हैं या नहीं है, तो एक एक करके गिन लेगी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 24 25 26 27। हाँ जी, कितनी है टोटल? ये है 94। ये जब ऊपर से आई थी ना, ये कितनी सीढ़ियाँ थी, ये क्या महत्व है इनका? घाट है, पुराने समय से ही 72 सीढ़ी बनी हुई थी। अच्छा 72 है, ये 72 सीढ़ियाँ थी ये पहले। अच्छा पूरी गंगा जी तक आती थी, ऊपर से लेकर गंगा जी तक आती थी। अच्छा वैसे करके बना दिया। अब ये क्या हो गया कि सीढ़ियाँ छोटी थी, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, फिर ये आस्थापत बनी बीच में, तो सीढ़ियाँ बीच में से कट गई, फिर ये ऐसे में घूम के आई। अब ये सीढ़ियाँ फिर भी खड़ी थी, लेकिन इसको सेट करने के लिए अब ये जो है नई सीढ़ी। आस्थापत है या मरीन ड्राइव? ये मरीन ड्राइव आस्थापत ही है। मतलब मेन आस्था पता बोलने को मरीन ड्राइव बोल रहे हैं। अच्छा, लोग घूमने आ रहे हैं तो मरीन ड्राइव। वैसे जो ये घाट है ये भारद्वाज स्थल क्या है? ये भारद्वाज स्थल डॉक्टर साहब आया करते थे। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों की बहुत सेवा करी। अच्छा, तो उनके नाम से फिर यहाँ पर एक स्मृति स्थल के रूप पर उनका नाम है। अच्छा, उन्होंने बहुत सेवा करी, डॉक्टर थे वो। अच्छा, फ्री सेवा करते थे। ये बाहर सीढ़ी, यहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं, स्नान भी करते हैं, पितृ तर्पण वगैरह भी करते हैं, अन्य कर्म भी करते हैं। हाँ, जो भी गंगा घाट के किनारे जो कुछ भी पुण्य कर्म हो सकते हैं सब करते हैं। और वैसे भी गंगा जी के किनारे अगर देवालय हो, शिवालय हो और अच्छी बात है, और पीपल का वृक्ष हो तो और सुंदर बात हो।
मैंने एक चीज देखी यहाँ पे बर्ड और पीपल लगभग साथ साथ हैं जिस जगह पे ना। हाँ लगभग होते हैं। हाँ लगभग मतलब ज्यादातर होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। ये तेरी तरह खा रहा था कि मुंह में लेके आ रहा है आपको अलग तरीके से। आप मंदिर में गए और प्रसाद ले आए मंदिर में गए अपने आप प्रसाद लेके आ गए। ये देखो पीछे ये फौज यहाँ से आ रही है भाई। तो भाई कुछ दोस्त है ना पूछ रहे थे कि शर्मा जी ये बादल वगैरह ऋषिकेश में मतलब ऐसे होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। ये बादल है ना सिर्फ बरसात के मौसम में एक या दो महीने के लिए आते हैं। तो और ज़्यादातर इन बादलों को है ना कभी भी किसी दिल्ली एनसीआर वाले ने जो कावड़ लेके नहीं आता उन्होंने देखा ही नहीं है। तो ये मौसम जो बादल बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाते हैं ऋषिकेश के अंदर ये सिर्फ एक डेढ़ महीने का बादल की उस वैसे तो बड़ा सुंदर लगता है पर इसमें गर्मी भी। कई लोग पूछते हैं कि इस टाइम कैसा है। अगर लगातार बारिश होती रही तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया मौसम। रहेगा 15-20 दिन तक। अगर एक दिन बारिश होके फिर 4-5 दिन हुई फिर गर्मी भी हो जाती है पर बादल आपको बढ़िया देखने को। बरसात के बाद जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है जलाने वाली वो भी बढ़िया वाली होती है। हो जाती है इस मौसम में। कुल मिला के जो टेम्परेचर है ना वो दिल्ली NCR से लगभग 5 डिग्री के करीब कम होता है। तो ये ऐसा ही मौसम है, कोई खास अलग से आप सोचे कि हिल स्टेशन है कुछ बर्फ पड़ती है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बर्फ नहीं पड़ती। लोग पूछते हैं कि ऋषिकेश में बर्फ पड़ती है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि बर्फ भी पड़ती है तो भाई बर्फ वगैरह नहीं पड़ती। उग जाएगा इसमें पालक? अच्छा पैसे भी लगा दिए? पहले भी लगाया था। अच्छा पहले भी लगाया था। इसको है ना हमेशा हर चीज में पैसे जरूर सुनाई देते हैं। पैसे आपने बोला है, मेरे को सही सुनाई दिया था। पैसा 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 तो हो गया था। पंडित जी जलेबी खाओगे गरम गरम? चलो चुपचाप है। जलेबी खाओगे गरम गरम? पैसे नहीं है। चलो पैसे लाइए। पैसे हैं मम्मी के लिए? मम्मी को मेरी मम्मी ने मीठा छोड़ा हुआ है। ये शर्मा जी का फिर मन कर गया है आलू की कचौड़ी और जलेबी खाने का। हाँ जी बोलिए शर्मा जी। भाई जलेबी वलेबी नहीं खाने की मीठा छोड़ रखा। अब तो यार विश्वास भी नहीं करते हो यार ये खाने के लिए। ये है ना खाना वाना बनाती नहीं है, रोज कचौड़ी समोसे ब्रेड पकौड़े और हमारा पेट भी है ना भाई साहब की तरह होने वाला है थोड़े दिनों में। मैं मतलब ऐसी पतली हूँ है? ये खाना क्यों खाने आए हो भाई? खाना नहीं बनाएंगे तो कचौड़ी खानी पड़ेगी। घर चलो बिना खाए घर चलो फ्रूट्स खिलाती हूँ आपको। चलो जो मैं खाऊंगी वो खिलाऊंगी। मैं ये नहीं खाऊंगी ना बिना खाए कुछ होगी। मेरे को लग रहा है बॉडी हमारी ऐसी ना पानी भी ज्यादा पी लेते हैं। अच्छा अच्छा तो क्या होगा भाई? चलो चलते हैं कचौड़ी का नाश्ता कर लेते हैं। साथ दिखाओ। आज बढ़िया स्वाद कचौड़ी खाएंगे। एक खुशखबरी आ गई है कि भाई नीलकंठ मंदिर खुल गया है तो भाई चलते हैं फिर किसी दिन। नीलकंठ मंदिर का ट्रैक करके दिखाएंगे भाई। सुबह सुबह घूमना आहा वो भी त्रिवेणी घाट जैसे इलाके के अंदर, रनिंग करो वॉक करो जो मर्जी करो तो उसके बाद फिर ये गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी खाने का है ना मजा ही अलग है।
और हमारी माताजी लगी हुई हैं सुबह सुबह फ़ोन में, ये नहीं है घूम फिर के आ गई हैं तो अपने बढ़िया तरह से नहा धो लें और हमारे साथ कचौड़ियों को आनंद लें, सारी मेहनत बेकार कर दो। ये कहती है, ये ना बेचारी क्या कर रही है, 10-12 किलोमीटर सुबह और 5-6 किलोमीटर, कल तो शायद 8 किलोमीटर घूम के आई थी। कह रही कि जाते हैं और कचौड़ी पकौड़े वकौड़े खिला के ना मेरी जितनी कैलोरी मुश्किल से घटा के आती हूँ सब खा जाती हूँ उतना। कल लक्ष्मण झूला पैदल, भाई हम खिलाते हैं तो ये खाती क्यों है, मैं वो साक्षी भी तो नहीं खा रही, इनकी बहू रानी वो हमें देखती है तो उसने पिछले यार हद उसकी 2.5-3 महीने से जो उसने डाइट कंट्रोल कर रखी है ना, वाक्य में मानने वाली बात है, मेरे बस की तो है नहीं, इतना संयम बरतना है ना बहुत मुश्किल है। तो तू घर में भी बनवा के खा रहा है माताजी, और माताजी माताजी को देखो ना, माताजी बस कहेंगी नहीं नहीं क्यों खाऊं क्यों खाऊं, मत खाना अब उसको सलाद इसके मम्मी को बोल दे आज माँ जी के लिए क्या कहते हैं गाजर मूली और क्या है वो कुंदरू का सलाद बनाएंगी, इतना भी ना करना। देखा है तो मेरी मम्मी भाई ऐसे कैसे कंट्रोल करेगी, ऐसे कोई काले तिल ना चबा रखे। शर्मा जी की हरकतें देखिए पहले आप भाई, इसका है ना ये थोड़ा गर्म ज्यादा हो गया था, मैंने कहा डायरेक्ट इसको है ना एसी के एसी ये देखो इधर से एसी चला रखा है और इधर लगा देते एसी के नीचे लगा देते हैं ताकि इसकी वेंट वगैरह ठंडा, बुढ़ापे में इसको थोड़ी सी ज्यादा ठंडा, मतलब लैपटॉप नहीं आएंगे इसको ठंडा करते रहेंगे ऐसे, जब तो ये ऐसे भी ठंडा होना बंद हो जाएगा ना जिस दिन उसी दिन लाएंगे। अभी पहले लगभग एक घंटा पहले लगाई थी ये एक्सपोर्ट होने के लिए, अभी भी 77% हुआ है देख लो। हाँ जी, तो आज मैं शर्मा जी से बहुत देर से कह रही हूँ कि चलो वीडियो को एंड कर देते हैं, पर वो कह रहे हैं आज तू ही कर, सुबह मैंने बहुत गंगा जी दिखा दी है, अब मैं नहीं आऊँगा, आज तू ही ख़त्म कर। और देखिए हमारी ये बेल भी कितनी बढ़ गई है, इधर से तुलसा जी बड़ी हुई है, उधर से पड़ोसियों के पेड़ बड़े हुए आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ इसको थोड़ा सा सेट कर दो और कहीं ना कभी सांप ना चढ़ के आ जाए, क्योंकि इधर भी पेड़ हैं। वैसे हम रात को छूते नहीं हैं, पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए टच किया है कि कितने बड़े हो गए हैं। और आप ये बताइए कि ये डिज़ाइन में अच्छे लग, कैसे डिज़ाइन बनाया जाए इनको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हमने आपको जो दिखाया था पथ, आपको आस्था पथ पे आज नए रोड पे ले गए थे, वो मेरे लिए भी हमारे लिए दोनों के लिए बहुत नया था और इतना सुंदर लगा ना हमें, होप आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। और अब हम आगे बैराज तक, सुना है कि बैराज से भी आगे तक जाता है, तो धीरे धीरे आगे तक दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो आज का वीडियो मैं फिर यहीं एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कितनी 67 ये सीढ़ियाँ हैं, 67 ये हैं भाई और 26 हुआ है और 26 वहाँ पे देखो आए हैं, लेकिन काउंट नहीं करी, काउंट मैंने करी।